हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ इंडियन पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर और फिर से जो है जारी किया गया अपडेट, जिसमें ग्रुप सी के रिक्रूटमेंट है। तो आज इस वीडियो के अंदर उसी के ऊपर बात करने वाला हूँ पूरा वीडियो, किस तरह से एप्लीकेशन आपको करना होगा, क्या है प्रोसेस सब कुछ। तो किस तरह से आपको ऑफिशियली अपडेट में एप्लीकेशन करना होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए 10th पास करने के बाद ही आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सैलरी की अगर बात किया जाए, 12,000 तक आपको सैलरी भी दिया जाएगा इंडियन पोस्ट के अंदर। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पब्लिश हुआ है, तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको भी ये पता होना चाहिए। तो एक एक करके आप लोगों को जानकारी दूंगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड कम्युनिकेशन की तरफ से ऑफिशियली अपडेट पब्लिश हुआ है, जहाँ पे 26th of August 2023 में पब्लिश हुआ है, जिसका पोस्ट है स्टाफ का ड्राइवर एज ए ग्रुप सी के अंदर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, ग्रुप सी। एंड इसमें अगर सैलरी की बात किया जाए, 19,000 से शुरू होने वाला है आपका सैलरी। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, आपको भी ये पता होना चाहिए। और स्टाफ का ड्राइवर मेल मोटर सर्विस के अंदर इस नोटिफिकेशन को अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको किस तरह से एप्लीकेशन करना है उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हो, उनके लिए ये बहुत बड़ी मौका है। तो आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके यू कैन सबमिट एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर एज लिमिट क्या है। एज लिमिट की अगर बात किया जाए, 18 से 27 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड 18 से 27 ईयर्स तक की अगर बात किया जाए, इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट 3 ईयर्स, एससी 5 एंड गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, एक सर्विस मैन की अगर बात किया जाए, वो जो है 40 ईयर्स तक आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद आता है, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो तो इसका लास्ट डेट क्या है। तो बेसिकली लास्ट डेट की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे 25 सितंबर 2023 से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ इस तरह से रखा गया है। और एप्लीकेशन के साथ साथ अगर आप लोगों को और कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए, तो प्रोफेशनल अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल के ऊपर चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मोटर मैकेनिक के ऊपर नॉलेज है, तो भी आप लोगों को ये भी एक अपडेट दिया जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड के ऊपर अगर आप क्वालिफाइड है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, डेफिनेटली इसके लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे आपको अभी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन क्या रहने वाले। तो इफ़ यू आर एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट, देन डेफिनेटली यू हैव टू क्वालिफाई दोज टेस्ट जो है, ट्रेड टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट के ऊपर। तो ट्रेड टेस्ट एंड ड्राइविंग टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना होगा, जिसके बाद ही आप लोग जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। ट्रेड टेस्ट की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे भी क्लियरली उसको भी डिटेल बताया गया है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए ट्रेड टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट के अंदर अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको जो है यहाँ पे थ्योरी टेस्ट एंड जनरल नॉलेज के ऊपर, सिंपल अरिथमेटिक के ऊपर एक 80 मार्क्स के जो है एग्ज़ाम होने वाला है, एंड 20 मार्क्स के मोटर मैकेनिक के ऊपर जो है क्वालिफाई करना होगा। तो ये था आपका पूरा टेस्ट। पेपर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे भी कॉम्पिटिटिव क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहिए, जिसके लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो।
एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल टेस्ट की अगर बात किया जाए जिसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, तो कॉम्पिटिटिव क्वालिफाइड कैंडिडेट को आपको क्या करना होगा, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको भी यहाँ पे क्वालिफाई होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जो एग्ज़ाम दिया जा रहा है उसको आपको कंप्लीट करना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो ठीक तरीके से यहाँ पे चेकआउट कर लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एप्लीकेशन करने के लिए आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा फॉर जनरल एंड ओबीसी, अदर कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन भेज सकते हो। तो यही था आज की वीडियो। इसके साथ साथ यहाँ पे फॉर्म भी दिया गया है, इस फॉर्म को भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ऊपर में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है कहाँ पे आपको भेजना होगा। फर्स्ट आपका नाम इन ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, उसके बाद आपका आधार नंबर, फादर नंबर, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, कम्युनिटी क्या है आपका, जनरल ओबीसी एससी एसटी क्या है आपको लिखना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है आपको देना होगा, डेट ऑफ बर्थ आपको देना होगा 25 सितंबर 2023 में आपका एज क्या है आपको देना होगा, नेशनलिटी जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके साथ साथ मैट्रिकुलेशन क्वालिफाई के डेट क्या था, कब से आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, सब कुछ देख के आपको बेसिकली इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात किया जाए, आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ के यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो यही था आज की वीडियो, अगर पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो।